हम पहुंचे हुए सिवान के चाँप क्वारंटाइन सेंटर में, और आपको बताते चले कि यह जो क्वारंटाइन सेंटर है, आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह क्वारंटाइन सेंटर हुसैनगंज के जो प्रमुख हैं राजा राम शाह, उन्हीं की यह बिल्डिंग है। जिला प्रशासन ने यह बिल्डिंग ले रखी है और इसमें क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, और जो भी सुविधा क्वारंटाइन सेंटर में, जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है, जो बाहर में रह करके रोज़गार किया करते थे और जब अपने घर की वापसी किए तो क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया, और इसी क्वारंटाइन सेंटर में कुछ लोगों को सिवान के चाँप गाँव में रखा गया है। हम रात में इसलिए आए हुए हैं कि यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि इनके खाने के लिए तकरीबन 8 बजने जा रहे हैं, और खाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें रखी गई है, जैसे कि चावल है। वहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि चावल है, और चावल के बाद फिर कड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल, कड़ी, फिर आलू की भुजिया है, और उसके बाद से यहाँ पे पकौड़े बनाए गए हैं वो है, और उसके बाद से पापड़। तो जो खाने की व्यवस्था है बिल्कुल एक अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है, और बजाबते यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं बिल्कुल कतारबद्ध होकर के एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे खाना खिलाने की तैयारी की गई है। राजा राम साहब हुसैनगंज के प्रमुख हैं, उन्हीं की यह बिल्डिंग है, और जिला प्रशासन ने उन्हें सौंप रखा है, और उन्हीं के देखरेख में यह क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि देखिए जो खाना यहाँ पे दिया जा रहा है बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, और ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर का यह खाना है। खाना जो है अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जो व्यंजन बनाई गई है आप देख सकते हैं। चावल बहुत ही अच्छा चावल है, गरम गरम ताज़ा चावल है जो दिया जा रहा है। उसके बाद से कढ़ी है, कढ़ी और बड़ी जो होती है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये सब दी जा रही है। और उसके बाद फिर भुजिया है, पापड़ है, यानी कि लगभग 5-6 व्यंजन है जो कि यहाँ पे इन क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद लोगों को दिया जा रहा है। वाकई इस क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचने के बाद से ऐसा लग रहा है कि घर की तरह खाना इन लोगों को खिलाया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कतारबद्ध होकर के खाना ले रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आप बताइए कि खाना जो यहाँ पे मिल रहा है, या कितने दिनों से आप लोग हैं? मिल रहा है खाना मिल रहा है ना खाना। कितने दिनों से आप लोग हैं? 10 दिन से। 10 दिन से। तो यहाँ की जो व्यवस्था है खाने पीने की, जो व्यवस्था वो कैसी है यहाँ पे? अच्छा है। अच्छा है। खाना घर की तरह मिलता है यहाँ पे? हाँ, घर के तरह मिलता है। आज खाने में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है? आज मिल रहा है कढ़ी, भुजिया, पकौड़ी है ना। अच्छा अच्छा। चावल, कढ़ी सब मिलता है ना। यानी कि संतुष्ट है पूरी तरह से। और भी देखिए यहाँ पे कतारबद्ध लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए कि कितने संतुष्ट हैं जो यहाँ पे व्यवस्था, जो खाना वाना मिल रही है? बहुत अच्छा है। अच्छा, खाने में कहीं कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। क्या कुछ मिलता है, जैसे कि सुबह या दोपहर या शाम क्या क्या मिलता है खाने में? सुबह नाश्ता मिलता है, 10 बजे खाना मिलता है, फिर 3 बजे नाश्ता मिलता है, और शाम को खाना मिलता है। आज जो यहाँ पे खाना देखा जा रहा है इसमें क्या कुछ मिल रहा है आप लोगों को? पापड़ है, भजिया है, कढ़ी, चावल। यानी कि जिस तरह से आप लोगों को घरों में खाना मिलता था उस तरह का खाना यहाँ मिलता है? जी जी बिल्कुल। संतुष्ट हैं आप? हाँ। कहाँ के रहने वाले आप? हम रसूलपुर। रसूलपुर के हैं। अपना नाम बताइए। मंतोष कुमार। मंतोष कुमार हैं जो रसूलपुर के रहने वाले हैं, और जाहिर तौर पे काफ़ी ये लोग संतुष्ट अपने आप को बता रहे हैं कि जो खाना यहाँ पे मिल रहा है इस खाने से काफ़ी संतुष्ट है। कुछ और भी लोग हैं, देखिए ये थाली लेकर के पहुँचे हुए हैं हाथों में, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है यहाँ पे? देखिए क्वारंटाइन की जो व्यवस्था है बहुत सुंदर है, और हमारे जो प्रमुख साहब हैं हम लोग के साथ में भी 15 दिनों से यहीं पर पड़े हुए हैं, और जो व्यवस्था है आप देख ही रहे हैं, चावल है, कढ़ी है, पकौड़ा है, और ये पापड़ भी है, और सुबह भी हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह भी नाश्ता मिल जा रहा है, चाय भी मिलता है, 10 बजे तक खाना मिल जा रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पर रहते हैं तो खाना में कहीं कोई दिक्कत, जिस तरह घर में खाना मिलता है? नहीं, सेम टू सेम है, जैसे घर में खाना मिलता है वैसे यहाँ भी मिल रहा है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यवस्था जो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है।
तो यही आलम है यहाँ के क्वारंटाइन सेंटर का, जो कि सिवान के छाप का क्वारंटाइन सेंटर है। आप देख सकते हैं एक टीम बनाई गई है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, और हम इसलिए पहुँचे थे कि एक बार इस क्वारंटाइन सेंटर पर आकर के रियलिटी चेक करें कि वाकई में जो जिला प्रशासन या फिर जो जनप्रतिनिधि के द्वारा जो खाने दिए जा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर के लोगों को, कि क्योंकि कई जगहों से जो शिकायत मिली लगातार, कई जगहों पर हंगामा हुआ, लेकिन जब हम छाप के क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचे हैं जो राजा राम शाह प्रमुख हैं उनके देखरेख में चल रहा है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से खाना खिलाया जा रहा है, कई तरह के व्यंजन दिए जा रहे हैं जिससे लोग काफ़ी खुश हैं। और जाहिर तौर पे एक बार हम फिर से इस बिल्डिंग को दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे देखिए यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में लोग भी हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को छुट्टी भी कल सुबह में दी जाएगी, और इसीलिए हमने सोचा कि एक बार रात को चले, जब रात को यहाँ खाने का समय हुआ तो हम पहुँचे तो सच्चाई सब कुछ सामने आ गई। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राजा राम शाह जो कि प्रमुख हैं हुसैनगंज के, इनसे हम बात करेंगे कि ये जो व्यवस्था दी जा रही है क्या आप अपने तरफ से या फिर प्रशासन के तरफ से? नहीं, पहले हम लोग अपने तरफ से एक महीना तक खिलाए, लेकिन प्रशासन द्वारा वगैरह रोक दिया गया कि आपके मान्यता नहीं दी गई है। बाद में प्रशासन ने देखे कि अच्छे यहाँ पर विशेष सेटी है तो यहाँ प्रखंड सेंटर बना दिया गया। यहाँ पर बनाने के बाद हम लोग दिन रात लग कर 15 तारीख से आज तक मैं घर नहीं गया है, और सोच रहे हैं कि 24 घंटा जब तक ले सेवा करें सभी लोगों को कि कोई दिक्कत ना हो। इस पैसा क्वारंटाइन टाइम से जो भी मिलता है उसको हम लोग सोचते हैं कि इतना खिला दें लोगों को कि जाए उतना ही पैसा में कि अथी हो जाए। जो पैसा इसमें चोरी कर बचाएगा उसको तो भगवान बख्शेंगे नहीं, ऊपर वाले बख्शेंगे नहीं। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि हफ्ता में कम से कम जो इच्छा होता है उन लोगों को पूछा जाता है, एक दिन हफ्ता में चिकन भी दिया गया, 2 दिन अंडा कड़ी भी दिया गया, उन लोगों को डिमांड हुआ, लिट्टी का भी व्यवस्था जो भी मांगते हैं उससे पूछते हैं हम लोग बुट के कि क्या खाने की इच्छा है, जो खाने की इच्छा है। अब तो क्वारंटाइन सेंटर बंद होने जा रहा है, जो भी लोग हैं उनको आज से कल परसों 2-3 दिन में बंद होने जा रहा है, अपने घर वो लोग चले जाएंगे, वो अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद भी हम भी प्रण लिए हैं कि अपने घर जाएंगे, जब क्वारंटाइन सेंटर के लोग चले जाएंगे तभी अपने बाल। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? 15 तारीख से क्वारंटाइन सेंटर खुला है और 15 तारीख से मैं लगातार यहाँ पर 24 घंटा बने हुए हैं, या ब्लॉक के काम या वो बाहरी काम करते हैं अपने परिवार में नहीं। आपके क्वारंटाइन सेंटर जो छाप का है इसमें कितने लोग, इसमें प्रवासी मजदूर या महिलाएं हो जो बाहर से लोग आए, कितने लोग यहाँ पर? जो ब्लॉक स्तरीय बना था तो यहाँ तो एक बैग अचानक भीड़ हो जाने के 130 आदमी पहले हो गया था यहाँ पर, और यहाँ पंचायत के लिए एक अलग बना था वो भी खाली हो गया, उसमें भी लगभग 68 आदमी हो गए थे, और सभी लोग के मैंने देख रेख हमारी जिम्मे थी कि सभी लोग, हम लोग की इच्छा था कि समाज में अब सरकार की मान्यता नहीं थी तब वो एक महीना हम लोग इच्छा से मैंने जो भी लोग प्रवासी चाहे जहाँ गए वहाँ हम लोग भोजन कराए फ्री में। अब तो सरकार देने लगी तो हम लोग उमंग इतना था कि जो मांगे उसको दें हम लोग खिला दें कि अपने जाए तो। आज यहाँ पे क्या कुछ मीनू इन लोगों के लिए बनाया गया है जो इन लोगों को खिलाया जा रहा है? मीनू जो बनाया गया है वो मीनू के हिसाब से कोई दे नहीं सकता है। पहले तो हालात है कि इतने मिलेंगे 178 रुपया मिलेंगे, 192 रुपया मिलेंगे, लेकिन अभी मालूम हुआ कि 125 रुपया आपदा विभाग से लिया किया गया, लेकिन 125 रुपया भी हम लोग चाहते हैं कि उसमें मिला कर खर्च कर दें कि ये लोग जाए तो कम से कम ये आदास ना हो कि घर पर हैं। और लोग भेंट लगाते हैं कि जो कोठी आते हैं डरते हैं लोग, इस भेदभाव को छोड़ते हुए हम लोग लगे हुए हैं कि एहसास ना हो कि हम लोग क्वारंटाइन सेंटर पर किसी व्यक्ति। आज इन लोगों को खाना दिया जा रहा है? आज हम लोग दिए हैं इन लोगों को कढ़ी चावल और पकौड़ा भी बनाया गया है, पापड़ भी दिया गया है, भुजिया भी बनाया गया है, सुबह में दिया गया खीर पूड़ी। खीर पूड़ी सुबह में 11 बजे इन लोग को दिया गया है, सुबह में बिस्कुट चाय दिया गया है, दोपहर में भी चाय दिया गया है। इन लोग को हम लोग महसूस नहीं करने देते हैं कि कोई प्रकार के दिक्कत हो। आइए इतिहास बने, हम चाहते हैं कि पहला आदमी व्यक्ति होंगे कि बिहार में कि अपना मकान क्वारंटाइन सेंटर से लोग बहुत जगह रोक रहे हैं, आज मैं पहला व्यक्ति होंगे कि अपना मकान लिखित दिए हैं, सुरक्षा से दिए हैं, इसमें जो भी क्वारंटाइन सेंटर जो भी सरकार कहती हो ये आपदा में हम कामें आए कि सब जनता के। बिल्कुल, ये जिला प्रशासन और सरकार के साथ खड़े हैं राजा राम शाह जो प्रमुख हैं। और एक बार हम चलेंगे फिर क्वारंटाइन सेंटर की तरफ, जो महिलाएँ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो भी यहां पर क्वारंटाइन सेंटर में हैं और वो भी खाना लेने के लिए पहुंच चुकी हैं अब बजाबते कतारबद्ध होकर के। तो बिल्कुल हम यह दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे सिवान का जो छाप क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर किस तरह से लोगों को रात के समय भोजन कराया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्था है। एक एक करके ये लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और बजाबते यहाँ पर
एक सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम के तहत ही यहाँ पे लोगों को खाना दिया जा रहा है। महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी थे, एक साइड में जेंट्स पुरुषों की भीड़ थी, दूसरी तरफ में इनकी भीड़ है। हम कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो खाना ये जो मिल रहा है उससे कितनी संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे, जो खाना मिल रहा है इस खाने से कितनी संतुष्ट है, क्या अच्छा खाना मिला है जितने दिन आप लोग रही हैं? हाँ मिला है। क्या क्या मिला था? सोमवार को दिन अंडा चावल मिला था, उसके बाद लिट्टी चोखा मिला था, उसके बाद दाल चावल सब्जी मिला था और पूरी सब्जी मिला था, उसके बाद सब्जी पूरी सलाद सब चीज़ मिल, सब आज चीज़ क्या मिल रहा है खाने के लिए? आज मिल रहा है चावल, कढ़ी, पापड़, भिंडी की सब्जी और प्याजू। तो कितने दिनों से आप लोग हैं यहाँ पे? हम लोग का आज हो गया 9 दिन। 9 दिन हो गया। हाँ। किसी प्रकार की कोई नहीं। कहाँ घर हुआ आपका? हरिहास। हरिहास। तो आपने देखा ये हरिहास की महिला हैं, इनसे बातचीत हुई और साफ तौर पर इनका कहना है कि बिल्कुल संतुष्ट हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं जो कि कतारबद्ध होकर के यहाँ पे खाना ले रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ की व्यवस्था है उस व्यवस्था से कितनी संतुष्ट है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बच्चे हैं, बच्चों को भी खाना देते हैं, 2-3 बार खाते हैं बच्चों, कोई दिकदारी यहाँ पर नहीं है हम लोग का। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। कब, कितने दिन भर में कितने समय खाना मिलता है आप लोग? सुबह में नाश्ता मिलता है, चाय मिलता है, कभी नमकीन देते हैं, कभी घुगनी बनाकर चाने के देते हैं, कभी बिस्कुट भी देते हैं सुबह के समय। दोपहर को खाना दाल चावल सब्जी मिलते हैं, कभी पापड़ तिलौड़ी भी मिलते हैं और शाम को भी चाय नमकीन देते हैं हम लोग का। और कभी कभी आप लोग भी जो चाहती हैं कि अपने मन मुताबिक वो सब मिल जाता है यहाँ पे खाना? हाँ, मन मुताबिक मिल जाते हैं हम लोग का। कितने दिनों से आप हैं यहाँ पे? यहाँ 9 दिन से हैं हम लोग। कहाँ घर हुआ आपका? नौलपुर। आप यहाँ पर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, जी जी। किस तरह से क्या व्यवस्था यहाँ पे दिया जाता है? जी सर, ये जिला पदाधिकारी और जो स्टेट लेवल से जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसके हम यहाँ के दीनदयाल नर्सिंग स्कूल के नोडल पदाधिकारी हैं। और सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सर अप्रवासी जो भी मजदूर आ रहे हैं उनको बढ़िया से व्यवस्था हो। किसी तरह कोई शिकायत ये लोग? जी कोई शिकायत तो नहीं है सर, हम लोग शिकायत करने का मौका हम लोग नहीं देते हैं सर। हम लोग नाश्ता पानी और जो खाना है, और हम लोग समझिए कि प्रमुख महोदय जो हैं ये आपको बताए भी घर नहीं जाते हैं, यहीं पर रहते हैं और हम लोग भी 24 घंटा ड्यूटी पर लगे रहते हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सर। तो आपने देखा कि ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये सिवान के चाप क्वारंटाइन सेंटर से है। कई महिलाओं से भी बातचीत हुई और बिल्कुल आपको बता दें कि पहला यह सिवान के चाप का क्वारंटाइन सेंटर है जहां पे किसी तरह की लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पे हम लोग गए और वहां से हम लोग लगातार कवरेज दिखाने का काम कर रहे हैं कि कैसे क्वारंटाइन सेंटर में धांधली हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है, कई जगहों से शिकायतें आई। लेकिन आज जब हम सिवान के चाप क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे हैं तो बिल्कुल यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि यह शिकायत करे कि हमें खाना नहीं मिलता है। खास करके आपको बता दें कि यहां के जो प्रमुख हैं वो अपने देख रेख में और जिला प्रशासन के निर्देश पर इस क्वारंटाइन सेंटर में लगभग 15 दिनों से डटे हुए हैं और उनका यह भी कहना था कि जिस दिन से क्वारंटाइन सेंटर की शुरुआत हुई है उस दिन से हम अपने घर नहीं गए हैं। जाहिर तौर पर अगर इस तरह का कार्य है तो सराहनीय कार्य है और इसके लिए उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, ताकि इस तरह से समाज से जुड़े लोगों के लिए इस तरह से वो काम कर रहे हैं तो सराहना होनी चाहिए। और ठीक इसी तरह से कुछ और भी क्वारंटाइन सेंटर पर हम चलेंगे और वहाँ से भी रियलिटी चेक करेंगे कि आखिरकार वहाँ की क्या कुछ स्थिति है, क्या उन्हें खाना समय पर मिल रहा है या नहीं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, चांप, सीवान।